तो गाइस फाइनली मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है और फर्स्ट पेमेंट मेरी इतनी आई है जिससे कि आप दो। और गाइस मैंने अपनी इस फर्स्ट पेमेंट से अपने छोटे भाई के लिए एक गिफ्ट भी परचेज किया है जिससे कि मैं आपको इस पूरी वीडियो बताऊंगा और मैं पूरा फिक्स मैं आपको बताऊंगा कि मुझे अपनी फर्स्ट पेमेंट लेने में कितनी प्रॉब्लम हुई या फिर नहीं हुई और कितनी पेमेंट मेरी प्रॉपरली आई। कैसी साइकिल? अच्छी है। सो हे गाइस यार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यार, जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मेरी फाइनली फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करने वाला हूँ। आपको मैं साफ साफ बताऊंगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई भी है या फिर नहीं, ये सब कुछ प्रोग्रेस अपनी फर्स्ट पेमेंट आने तक का मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप अदर वीडियोस में देखते ही हैं, जिनकी फर्स्ट पेमेंट आती है वो आपको डराते हैं कि आप जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो स्विफ्ट कोड लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी कहानी आपको बता देता हूँ। गाइस जब मैं अपना फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट ओपन कराने गया था बैंक में, तो वहां पर सबसे पहले मैंने जो मैनेजर बैठे थे उनसे मैंने कहा, सर मुझे इस बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि स्विफ्ट कोड का हमें नहीं पता। मैंने दूसरों से पता करा, दूसरे सर थे उनसे पता करा, तो उन्होंने भी मना कर दिया। बट गाइस जहां पर एक हेड होते हैं यानी कि सबके मैनेजर होते हैं, आपको उनसे डायरेक्ट अपनी बात करनी चाहिए। तो मुझे उन्होंने अपने सर के पास भेज दिया जो बैंक के ऑफिस में बैठते हैं। तो मैं वहां पर गया, मैंने उनसे पता करा कि सर मुझे ऐसे ऐसे इस बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। तो उन्होंने डायरेक्ट अपने ऊपर एक हेड पर जो अदर ब्रांच की बैंक होती है अपने ऊपर कॉल करी। कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे इस बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने अपना अकाउंट ओपन कराया था, उस बैंक का स्विफ्ट कोड मुझे उन्होंने पेपर में लिख कर दे दिया। यानी गाइस मेरा आधा काम तो यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि मेन चीज जो है यूट्यूब पर अकाउंट लगाने के लिए स्विफ्ट कोड ही चाहिए होता है। तो मुझे वहां पर स्विफ्ट कोड हो गया। तो यहाँ पर बाद में मैंने अपने बैंक में अकाउंट ओपन करा लिया। मुझे गाइस 4 दिन बाद तो उन्होंने मेरी पासबुक दे दी और बाद में मेरा चेकबुक और एटीएम बाद नहीं आ गई। तो गाइस मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपका स्विफ्ट कोड नहीं होता है या प्रॉब्लम आती है आपको स्विफ्ट कोड डालने में। गाइस आपका स्विफ्ट कोड मिल गया, आईएफएससी कोड और आपका होल्डर नेम जाता है वो तो आपकी पासबुक में ही आ जाता है। तो गाइस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चल रही साइकिल? कैसी साइकिल? अच्छी है, बढ़िया लगी। चलो सो गाइज अब मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है। गाइज जैसे कि अभी आपने वो साइकिल देखी है, गाइज वो साइकिल 3600 की है, यानी कि 3600 की वो साइकिल है। उसकी आप डबल कर लीजिए, डबल करने के बाद भी गाइज मेरे पास 1000 रुपए बच गए थे। ठीक है, तो आप अपने आप आइडिया लगा लीजिए कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई होगी। वैसे तो गाइस मैंने क्लियर ही बता दिया है। ओके, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और इस वीडियो को देखकर अगर आपको थोड़ी भी मोटिवेशनल मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।